वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। लूट व चोरी के वाहनों का कटान कर उनके पार्ट्स बेचकर करोड़पति बने हाजी नईम उफ गल्ला की मेरठ में पटेल नगर स्थित कोठी को आज जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया। कबाड़ी के रूप में कार्य करने वाले हाजी गल्ला की इस कोठी की कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बकायदा इलाके में मुनादी व लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए है कुर्की की। जिला मजिस्ट्रेट ने बीते 13 अक्टूबर को पटेल नगर स्थित इस कोठी को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश पारित किए थे, जिसके अनुपालन में आज पुलिस व प्रशासन की टीम ने कोठी पर नोटिस चस्पा करते हुए उसे कुर्क कर लिया। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट में हाजी गल्ला ने बेहोश होने का नाटक करते हुए कुछ राहत पाने की चेष्टा की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जांच पड़ताल में पुलिस ने पाया है कि हाजी गल्ला के पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। बावजूद इसके उसने चोरी व लूट के वाहनों की खरोच फरोख से करोड़ों रुपया कमाया है। पुलिस उसकी अन्य नामी व गैर नामी संपत्तियों की भी तलाश में जुटी हुई है। गंभीर बात यह भी है कि मेरठ का सोतीगंज लूट व चोरी के वाहनों के स्लॉटर हाउस के रूप में जाना जाता रहा है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है। आसपास के तमाम राज्यों की पुलिस आए दिन यहाँ छापेमारी करने आती रहती है। हाजी गल्ला पर पिछले कुछ समय में कसे गए शिकंजे के कारण सोतीगंज बाजार का काम भी लगभग निमट गया है। पूर्व में सदर थाने पर चोरी के वाहनों का स्लॉटर हाउस चलाने वालों को खुला संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, और यही कारण रहा है कि सदर थाने की गिनती हमेशा मलाईदार थाने के रूप में विभाग में होती रही है। यहाँ तैनात अधिकांश थानेदार आज करोड़ों में खेल रहे हैं। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज दोपहर एएसपी सूरज राय के निर्देशन में दिल्ली गेट थाना इलाका स्थित पटेल नगर में कुर्की की यह कार्रवाई हुई। स्वयं एएसपी सूरज राय ने माइक से यह जानकारी पब्लिक को दी। हाजी नईम उर्फ गल्ला जो लगभग पिछले 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में वाहन चोरी और संगठित रूप से वाहन कटान की दुनिया में कुख्यात था। इसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये सामने आया कि इसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ये इसी तरीके से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है। तो इसके क्रम में ये संपत्ति जिस पे हम आज खड़े हैं, पटेल नगर स्थित इसकी अकूठी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसको आज कुर्क किया गया। इस संपत्ति की अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है और इसके अलावा अन्य 2 संपत्तियां हैं जिसकी कुर्की का आदेश है, जिनको आने वाले दिनों में जब्तीकरण किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।